हे गाइस, वेलकम टू स्टूडेंट टैक यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई एटीएम्स के बारे में। जैसे आपने देखा होगा, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और वहां पे आपको बताया था कि आप कैसे एसबीआई की सर्विस का लाभ ले सकते हो, और वहां पे अगर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल सकता है तो आप कैसे कंप्लेन दर्ज कर सकते हो, या फिर यूं कहें हमने एक सर्विस के बारे में बताया था। तो वहां पे काफी लोगों ने कमेंट्स किया कि एसबीआई घटिया बैंक है, एसबीआई पे सर्विस नहीं मिलती, और काफी लोगों ने बताया। और यहाँ पर ज्यादातर शिकायत आ रही थी एटीएम की, कि एसबीआई का जो एटीएम है वो अगर जैसे एक बार बन जाता है तो दोबारा बनाने में प्रॉब्लम आती है, या फिर एटीएम मिलता नहीं है, या फिर यूं कहें बहुत सारे लोगों ने एटीएम के खिलाफ कंप्लेन करी थी, या मेरे वीडियो सेक्शंस में जाके बहुत सारे कमेंट्स किए थे। तो देखिए, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि ये देखिए एसबीआई का एटीएम से, और यहाँ पे आपको मैं सच्ची बताऊँ तो यहाँ पर मैंने अप्लाई ही नहीं किया है और एटीएम मेरा मुझको मिल चुका है। अब ये कैसे हुआ ये सब मैं आज की उस वीडियो में बताऊंगा और अनबॉक्सिंग करूंगा। हालांकि अनबॉक्सिंग जैसा इसमें कुछ होता नहीं है, और यहाँ पर मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या मिलता है, और इसका एटीएम पिन कैसे जनरेट किया जाता है। और इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स में बताना। हालांकि आप इसको ओपन करोगे तो सारी चीज़ समझ जाओगे। तो ये कैसे हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ, आज की इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपका भी खाता एसबीआई में है तो आप क्या चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हो। अगर आपका एटीएम नहीं बन पा रहा है या फिर एटीएम नहीं मिल पा रहा है तो क्या आपको करना है। लेकिन इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन आपको बताऊं तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने खाते में अपना मोबाइल नंबर अपडेट रखना है। अगर आपका पुराना नंबर था तो उसको अपडेट करा लीजिए, या फिर आपके खाते से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो सबसे पहला आप काम यही करवाइए, उसके बाद आप सारी चीज़ों का लाभ ले पाओगे, नहीं तो आप चीज़ों का लाभ नहीं ले पाओगे। यहाँ पर आप अपना बैंक बैलेंस नहीं चेक कर पाओगे, अपना स्टेटमेंट नहीं निकाल पाओगे, चेकबुक या पासबुक अप्लाई नहीं कर पाओगे, या फिर यूं कहें आपका जो एटीएम होता है उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि सबसे पहले आपको अपने खाते से मोबाइल नंबर जरूरी होता है लिंक करना, आप वो करवा लेते हो तो उसके बाद सिंपली आपको एसबीआई का जो एप्लीकेशन होता है, ऑफिशियल ऐप जो होता है यूनो, एसबीआई यूनो, उस पे जाके अपना अकाउंट बना सकते हो अगर आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन है। अगर नहीं है तो सिंपली आप मोबाइल जो आपका फीचर्स फोन होता है उससे भी सारी चीज़ें आप कर सकते हो बहुत हद तक। सो दोस्तों, चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और सिंपली यहाँ पे दिखाते हैं कि अगर आपको अप्लाई किए हो एटीएम तो क्या क्या मिलने वाला। तो सिंपली यहाँ पर इसको कॉर्नर से आप इसको फाड़ सकते हैं। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पर देखेंगे तो वैसे इसमें कुछ खास होता नहीं है, और एक आपको मैनुअल मिलेगा जैसे आप देख सकते हो। इसमें लिखा होगा ग्लोबल कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड यूजिंग गाइड वीज़ा एंड रुपे, राइट। जैसे देख सकते हो ये टू टाइप के हैं, और यहाँ पर आपको एक मिलेगा पाउच टाइप का जिसमें आप अपना एटीएम रख सकते हो, ये आपको मिलेगा। तो सिंपली इसके बाद क्या करना है आपको, ये एक मिलेगा आपको ऐसा कुछ, और इसमें देखिए ये सब कुछ लिखा होगा। यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा और आपका एड्रेस लिखा होगा। डियर कस्टमर, वी थैंक फॉर रिपोजिंग ट्रस्ट in us. Welcome to the world SBI Global Debit Cards, the card that is built around an unmatched convincing. ये सब लिखा होगा, आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपको अंग्रेज हो, घने अंग्रेज को पढ़ भी सकते हो, खैर वैसा कोई कुछ ऐसा होता नहीं है। और यहाँ पर देखिए आपका नाम लिखा होगा, ये देख सकते हो जैसे मेरा नाम है, और यहाँ पर आपका कार्ड होगा, राइट। हालांकि ये वीजा कार्ड है, देख सकते हो इसके पहले भी शायद वीजा ही कार्ड था, और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से इसको निकाल लेना है, राइट। तो चलिए इसको आप जैसे यहाँ से निकालोगे तो ये आपका एटीएम है। वैसे मुझे जरूरत नहीं थी लेकिन जबरदस्ती इसलिए आपने भेज दिया तो भाई यूज़ कर लेंगे कभी कभार, वैसे मुझे जरूरत होती नहीं है क्योंकि अब ज्यादातर यूपीआई से ही काम हो जाता है। तो अगर आपको भी अप्लाई करवाना है तो सिंपली मैंने आपको तरीका बताया कि आप अपने एटीएम को अप्लाई करने के लिए सिंपली क्या कर सकते हो, एटीएम का अपना बैंक में जाके फॉर्म भर सकते हो। अगर आपका यूनो एसबीआई पे अकाउंट है तो सिंपली आप ये कर सकते हो कि वहां पर आप एसबीआई यूनो से एटीएम भी मंगवा सकते हो, ये ऑप्शंस होता है, राइट। अप्लाई फॉर एटीएम कार्ड या अप्लाई फॉर डेबिट कार्ड, कुछ ऐसा ऑप्शंस होता है जहाँ से आप अप्लाई करके मंगवा सकते हो। देखिए आपका मोबाइल नंबर लिंक रहेगा तो आपने बैंक में जाओगे, मोबाइल नंबर लिंक कराओगे, उसके बाद जो एटीएम का फॉर्म होता है उसको फिलअप करोगे। उसके बाद देखिए क्या होगा, अगर आपका जैसे फॉर्म आपने फिलअप कर दिया, बैंक में दे दिया, अगर काम नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हो कस्टमर केयर से। तो एसबीआई का जो पासबुक होता है उसमें जो बैंक का नंबर दिया होता है, आप उनसे कस्टमर केयर से बात करके अपनी समस्या का सोल्यूशन पा सकते हो, उनको बता सकते हो कि हमने एटीएम के लिए अप्लाई किया है लेकिन एटीएम हमारा मिला नहीं है या अभी तक बना नहीं है, तो वहां से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो भाई ये था आज का इस वीडियो, और आज के वीडियो में आपने देख लिया कि आप कैसे एटीएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किन चीजों से आप लाभ पा सकते हैं। तो मोबाइल नंबर पहले रजिस्टर्ड करवाइए, इसके लिए आपको बैंक जाना ही पड़ेगा, यूट्यूब के भरोसे आप कुछ नहीं करवा सकते, राइट, क्योंकि सिक्योरिटी का रीजन होता है इसकी वजह से। आपको नेक्स्ट में आप बेहतर स्टूडेंट टैक यूट्यूब चैनल, आपका अपना प्यार ऐसे ही।